कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जैसा कि हम लोग सीरीज दैट मींस कि कोई भी टॉपिक हम लोग लेते हैं तो उसके कॉन्सेप्ट वाइज उसको ब्रेक कर देते हैं। तो अगर पहली बार जो लोग देख रहे हैं तो उसे एडवाइस किया जाता है कि इसके नंबर ऑफ वीडियोस पहले ही डाले जा चुके हैं कॉन्सेप्ट वाइज, और जो कंटिन्यू कर रहे हैं तो आज हम लोग क्या करने वाले पहले बता देते हैं कि काफ़ी बार हम लोग काफ़ी दिन से क्या करते हैं कॉन्सेप्ट और उसके साथ साथ क्वेश्चन कम हो पाते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए देते हैं। आज क्या करेंगे हम लोग जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है ज्योमेट्री का, इन सेंटर, सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड, तो कुछ क्वेश्चंस आज की पूरी वीडियो में क्वेश्चंस को ही डिस्कस करेंगे। जो लोग क्वेश्चंस को डिस्कशन या उसके सोल्यूशन चाहते हैं तो वो वीडियोस को देखें, जो नहीं चाहते तो आज का वाला कॉन्सेप्ट पे नहीं होगा, क्वेश्चंस को डिस्कशन करेंगे, अच्छे क्वेश्चंस को आपके सामने रखने वाले हैं। तो पहले से क्लियर करें जिससे कि आप आगे जाएं तो पहले माइंडसेट आपका रहे। तो प्रैक्टिस करेंगे, टॉपिक आपको क्लियर कर दिया है, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आपके बोर्ड पे सामने है, आप उसको पहले इत्मीनान से पढ़ लें। पॉइंट्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स हमने कंसीडर किए हैं, एंगुलर पॉइंट्स मतलब वर्टाइसेस हैं। अब हम लोग क्या करें, ये पार्ट ऑप्शन नहीं है, ट्राइंगल कौन सा होगा, ठीक है, सेंट्रोइड निकालना है, सर्कम सेंटर निकालना है, ऑर्थो सेंटर या कोई भी निकालना हो, जो ऐसा क्वेश्चन ही लिया है, ऐसा कुछ ट्रिक इसमें लगाने वाले हैं कि आप कोई भी निकालना हो एक बार आप निकाल लेंगे, ठीक। चलिए तो जैसा कि क्वेश्चन लोग पढ़ चुके हैं क्या निकालना है बता चुके हैं, उस पर समय वेस्ट नहीं करते हैं। एक बात जान लें कि जो हम अभी लगाने वाले हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंस बस यही बात है इंपॉर्टेंट रखें कि जी मतलब सेंट्रोइड। तो किसी भी ट्राइंगल का सेंट्रोइड अगर आप नहीं जानते हैं, अगर आपने नहीं देखा है, तो आप ये जान लें कि तीनों वर्टाइसिस के एक्स कोऑर्डिनेट को जोड़कर 3 से डिवाइड, वाई कोऑर्डिनेट को जोड़कर 3 से डिवाइड करने वाले हैं। एक और इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि वन कोऑर्डिनेट इरेशनल हो, इरेशनल जैसे कि यहाँ पे देखिए, इरेशनल आप नहीं जानते हो तो इस टाइप के नंबर्स हो, तो कोई भी कम से कम एक इरेशनल है तो वो इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा। और जैसे ही आइडेंटिफाई कर लिया तो मतलब ये ट्राइंगल कैसा है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल, अगर आपने इक्विलेटरल ट्राइंगल आप समझते होंगे, इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब है समबाहु त्रिभुज जिसकी सारी भुजाएँ क्या हों, बराबर हों। वहाँ उसके लिए सेंट्रोइड निकालें चाहे ऑर्थो सेंटर निकालें चाहे सर्कम सेंटर निकालें इन सेंटर निकालें, मेरी बात ध्यान रखें, सब एक ही होते हैं। जैसे ही इक्विलेटरल ट्रायंगल आपने निकाला सब कोइंसिडेंट है, एक ही है, मतलब सेंट्रोइड, ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर एक ही है। तो हम लोग सेंट्रोइड निकालेंगे, यहाँ पर बात हुई क्लियर कि नहीं, सेंट्रोइड निकालने से सारा हमारा काम बन जाएगा। सेंट्रोइड बताया गया है कि तीनों एक्स को जोड़िए 3 से डिवाइड, तीनों एक्स को जोड़ दीजिए यहाँ पर, तो देखो तीनों एक्स को आपके सामने ही जोड़ देते, पता लगा आप जोड़ भी ना पाओ, सब कुछ हम कर देंगे, आप बिल्कुल परेशान ना हो, बस देखते रहें, 1 - 1 + √3/2, तो 2 - √3/2 और √3/2। अब देखिए हमने सेंट्रोइड कैलकुलेट किया है, जब आप ऑर्थो सेंटर की बात करेंगे तो इसी पॉइंट आप कोऑर्डिनेट को क्या बोलेंगे, ऑर्थो सेंटर भी बोलेंगे, इसी पॉइंट आप कोऑर्डिनेट को क्या बोलेंगे, सर्कम सेंटर बोलेंगे। तो बताइए आप सर्कम सेंटर ना ही जानते हो, ऑर्थो सेंटर ना जानते हो, इन सेंटर निकालना ना जानते हो, कुछ भी ना जानते हो, बस आप केवल एक बात जान लीजिए कि ट्राइंगल में √3, √5 इरेशनल कोऑर्डिनेट ऐसे आए तो आप मान लें कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, समबाहु त्रिभुज है, मोस्ट पॉसिबिलिटी यही है, शॉर्टकट है। और जैसे इक्विलेटरल ट्राइंगल आपने माना, इक्विलेटरल ट्राइंगल में सारे ये पॉइंट्स ऑफ कोऑर्डिनेट समान होते हैं, एक ही होते हैं, कोइंसिडेंट होते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन आपको और एक कंसीडर किया है, आप उसको पहले इत्मीनान से पढ़ लें, ऑर्थो सेंटर निकालना है और ट्राइंगल की वर्टाइसेस कंसीडर की गई है, ऑप्शन भी आपके सामने है, एक बार ट्राई करते हैं। मैंने बोला कि ज्योमेट्री में जब तक आप ज्योमेट्री ना बनाएं, ठीक है, या तो बहुत स्टैंडर्ड रिजल्ट जैसे पिछली बार वाला कि आपने इक्वलिटी ट्राइंगल मान लिया, ज्योमेट्री बनाने की कोई ज़रूरत नहीं, पर यहाँ देखिए कि ज्योमेट्री का कितना ज़्यादा सपोर्ट होता है, 5, 0 तो आप जानते ही हैं कि ऐसे स्पेसिंग कर दी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक। तो 5, 0 जब लेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5 5, 0 यहाँ आ गया, इसको मान लें ये वर्टाइसेस, 5, 12 तो x पे 5 जाएंगे, y पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहाँ पे 12, 12 तो 12 तक आ गए, 5, 12
इसको बी मान लें और 0,12 तो एक्स पे 0 और ये तो ये वाला सी बटा इस। अब इनको हमें मिलाना है, इन तीनों को मिलाना है। तो बेसिकली ज्योमेट्री में तो रफली एक फिगर बना, एक यहाँ पे फिगर हम लोग देख लेते हैं। ये हमारा 5,12 है, ये हमारा 0,12 है, जिससे कि एक वहाँ पे तो हमने देख ही लिया। अब यहाँ पे देखते हैं ए, फिर ये तो बी कंसीडर किया था, ये सी। ठीक, अब देखें कि ट्राइंगल, ये राइट एंगल ट्राइंगल क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल में बताया गया था कि कोई भी समकोण त्रिभुज अगर मिल जाए तो जहां पर 90 डिग्री बनता है वो वाली वर्टाइसेस ही क्या होगी, ऑर्थो सेंटर। तो यहां पर 90 डिग्री बन रहा है तो ये देखो 90 डिग्री यहां बन रहा है कि नहीं बन रहा, तो यही वर्टाइसेस आपकी ऑर्थो सेंटर होगी, ऑप्शन आपका हो गया। अगर सरकम सेंटर पूछता तो ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ए बी का मिड पॉइंट सरकम सेंटर हो जाता। ठीक है, तो सरकम सेंटर पूछा ही नहीं है, पूछता तो आप कर देते। ठीक, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लिया है, क्वाड्रेटिक और कोऑर्डिनेट का एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। पहले आप क्वेश्चंस को नोट कर लें, थोड़ा साइड में हो जाते हैं, आप क्वेश्चंस को इतना से नोट कर लें, देख लें इसको, वाकई में अच्छा क्वेश्चन है। कुछ चीज़ें हमने पहले से ही एक्सप्लेन करके रखी हैं जिससे कि आपका समय बचे और कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी घटे। क्वेश्चन को एक बार हम देखते हैं कि अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल, वर्टाइसिस दी गई हैं ए बी सी। ऑप्शंस को बाद में देखेंगे, पहले हम लोग देखते हैं क्वाड्रेटिक या क्यूबिक का क्या रूल है। एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर 0। हम हर चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं। एक 3 डिग्री की 3 घातीय इक्वेशन ली गई, उसमें यहाँ पे साइन कन्वेंशन प्लस माइनस प्लस माइनस, हम थोड़ा सा मान चलते हैं कि आप थोड़ा सा अगर हम बताएंगे, हम ये नहीं मान चलते कि आपको आ रहा है, मगर हम आपको जब पीछे की बात एक्सप्लेन करते हैं तो ये मान चलते हैं कि आप बात को भूल गए हैं, अगर सीखने के प्रयास करेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, तो इतना मान चल रहे हैं। तो ये साइन कन्वेंशन प्लस माइनस प्लस और माइनस, अल्फा बीटा गामा इसके रूट्स हैं, सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी अपॉन ए होता है, फिर डबल डबल अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, फिर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ प्लस आया तो सी अपॉन ए, फिर अल्फा बीटा गामा और आगे बढ़ जाएंगे माइनस, देखो माइनस लिखा हुआ माइनस डी अपॉन ए। इतनी इन्फॉर्मेशन को हम लोग आगे यूज़ करने वाले। देखो सेंट्रॉइड, आप वर्टाइसिस को एक बार फिर से देखें, एक्स उसके जो हैं अल्फा बीटा गामा, इनको तीनों को जोड़ा डिवाइड कर दे, बाई जो है 1/अल्फा 1/बीटा 1/गामा और डिवाइड बाई 3 कर दिया, अल्फा बीटा बीटा प्लस गामा बाई 3। एलसीएम जब लेंगे तो अल्फा बीटा गामा एलसीएम आ जाएगा। अब देखिए अल्फा बीटा गामा एलसीएम आया तो यहाँ पर बेसिकली बीटा गामा आएगा, उसको यहाँ लिखा गया, यहाँ अल्फा गामा आएगा यहाँ लिखा गया और अल्फा बीटा यहाँ आएगा। इतनी बात को हमने पहले से लिख के रखा है। अब देखिए इन्फॉर्मेशन जो हमने पहले ली है उस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हैं, इससे क्या होने वाला है। देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ऑलरेडी हमने कैलकुलेट करके रखा, क्या आया माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस बी अपॉन 3a आ जाएगा और अल्फा बीटा बीटा गामा कितना है सी अपॉन ए, तो सी अपॉन ए अपॉन 3 और अल्फा बीटा गामा माइनस डी अपॉन ए, ए से ए कैंसिल तो ऑप्शन बनेगा माइनस बी अपॉन 3a और गामा सी अपॉन माइनस 3d। अब देखिए एक मिनट, ऐसा नहीं कि ऑप्शन मैच नहीं किया, ठीक है ऑप्शन मैच कर जाएगा। हमने देखो इक्वेशन कौन सी कंसीडर कर ली, ये दी हमें कौन सी गई थी ये, ठीक है तो ऑप्शन मैच कर जाएगा, ऐसा नहीं है। हम लोग बस अभी क्या कर रहे हैं, इसको हटा रहे हैं और उस क्वेश्चन पे इसको मैप करा रहे हैं। ठीक है, तो मान चलते वो क्वेश्चन जो था, एक और नया क्वेश्चन था, स्टैंडर्ड क्यूबिक इक्वेशन पे था। अब जो इक्वेशन दी गई क्वेश्चन में, ये दिया गया, देखो साइन कन्वेंशन प्लस माइनस प्लस ले लिया गया, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 3a हुआ जैसे बताया गया था। यहाँ पे अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा भी निकाल लिया, अल्फा बीटा गामा निकाल लिया। आगे ये पीछे कैलकुलेशन ये किया गया था, केवल क्या किया गया, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू क्या है 3a, तो 3a बाई 3 और अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा की वैल्यू क्या है 3b, तो 3b बाई 3। तो देखो 3 से 3 कैंसिल तो क्या आ गया a,b, तो a,b क्या आ गया a ऑप्शन। ठीक, कन्फ्यूजन क्या हुई बताई गई थी, ये पहले स्टैंडर्ड इक्वेशन पर क्वेश्चन लिया गया, अभी क्या किया गया, जो कि क्वेश्चन दिया गया है उसके अकॉर्डिंग। ठीक, एक ट्राइंगल लिया है, यहाँ पे वर्टाइसिस अभी तक कंसीडर करते हैं, यहाँ पे एक लाइन कंसीडर की है, देखते हैं ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्राइंगल मेड बाय द लाइन, ये लाइन और कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस का मतलब है
एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस। उसने बोला कि लाइन और एक्सेस तो हमें दो मिल गई और एक लाइन जो है यहाँ पर ली गई है। अब देखो कोऑर्डिनेट एक्सेस पे लाइन को कैसे मैप कराते हैं, एक्स बराबर जीरो रखिए, जीरो रखा गया तो वाई फोर वाई बराबर ट्वेल्व, तो वाई बराबर कितना आ जाएगा थ्री। तो ये पॉइंट आया जीरो कामा थ्री, वाई बराबर जब जीरो रखा तो ये गायब हो गया, थ्री एक्स बराबर ट्वेल्व तो एक्स बराबर फोर आ गया। तो ये पॉइंट आया फोर कामा जीरो, तो फोर कामा जीरो एक दो तीन चार एक्स एक्सिस पे ही रहेंगे, जीरो कामा थ्री एक्स वाई एक्सिस बढ़ेंगे एक दो तीन, अब इन को और ये कोऑर्डिनेट एक्सिस के हेल्प से तो एक बड़ा सा ट्राइंगल बनाते हैं हम लोग। फोर कामा जीरो यहाँ पर है, जीरो कामा थ्री यहाँ पर है, एक्सिस के हेल्प से तो जीरो कामा जीरो ये, फिर से राइट एंगल ट्राइंगल बताया गया था कि जहाँ पर 90 डिग्री बने ऑर्थो सेंटर, तो जीरो कामा जीरो क्या हो गया ऑर्थो सेंटर, ऑप्शन अगर होते जो भी तो जीरो कामा जीरो टिक कर देते। ठीक, तो क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ पे क्या किया गया, इस बार सेंट्रोइड दिया गया है टू कामा सेवन और वर्टाइसिस दो दी गई, तीसरी निकालनी। अभी तक क्या करते थे, वर्टाइसिस दी गई होती थी, सेंट्रोइड इन सेंटर सरकम सेंटर निकालते थे, इस बार ऐसा नहीं है। अब आप जानते हैं कि सेंट्रोइड के पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्स कामा वाई अगर माना गया तो एक्स बराबर होता है एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री अपॉन थ्री, बट हमें यहाँ पे एक्स नहीं निकालना है, इस बार एक्स थ्री निकालना है। तो एक्स थ्री के लिए क्या होगा, देखिए थ्री एक्स वन माइनस एक्स थ्री एक्स वन माइनस एक्स टू, यानी इसका तीन गुना करिए, तो तीन गुना करेंगे तो कितना आएगा, मतलब ये यही एक्स कामा वाई है तो इसका थ्री टाइम्स करेंगे सिक्स माइनस माइनस फोर और माइनस और माइनस की जगह क्या आ जाएगा प्लस टू, तो एट में से फोर गया फोर आया। ठीक है, तो ये फोर आ गया। अब इधर फिर देखिए थ्री इसका तीन गुना करेंगे तो थ्री टाइम्स करेंगे तो ट्वेंटी वन ना, और माइनस 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 करेंगे तो माइनस सिक्स और माइनस एट, तो ट्वेंटी माइनस माइनस फोर्टीन कितना है भाई, सेवन आ गया, तो आ गया सेवन। मतलब जैसा कि x के लिए किया गया वैसा ही y होगा, मतलब y3 थ्री बराबर भाई बता दें आप, तो हो सकता है कि थोड़ा गड़बड़ा आ जाए, ये आ जाएगा। ठीक, तो अभी तक कुछ क्वेश्चंस आपके सामने प्रयास किया गया, आप ज़रूर इसको लिखिए कि कैसे लग रहे हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करना और किस तरीके से आप इसको देख रहे हैं। अगर लगता है कि वो जो कॉन्सेप्ट दिए गए उसके साथ साथ इस तरीके के वीडियोज़ भी बनाए जाएँ तो आप ज़रूर लिखिए, क्योंकि मैंने बोला कि वन साइडेड अगर आपका और हमारा प्रयास चलता रहेगा तो हम लोग जान नहीं पाएंगे कि कहाँ पर हम लोग पहुँचे हैं। हम बार बार पूछते हैं, बट हमें पता है कि जो पढ़ने वाले ट्यूटोरियल होते हैं उनको आप कभी जब आप उस कोर्स को शुरू कर रहे होते हैं या अपने दिमाग से उस टॉपिक को बना रहे होते हैं तभी आप बनाते हैं, बट फिर भी अगर लास्ट में जाते हैं तो आप ज़रूर लिखें क्योंकि हम उससे और बेहतर कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने बोला था कि क्वेश्चंस कम आ रहे, तो इसलिए हम लोगों ने प्रयास कर रहे हैं और कुछ बेहतर सोचेंगे। ठीक है, और इसी तरीके से रेगुलर मोटिवेट आप होते रहें, हमें भी एनर्जी मिलती रहे, इसी भरोसे के साथ कल फिर से हम लोग रहेंगे। थैंक यू, और जो भी आपको अच्छा लगा हो या बुरा लगा हो ज़रूर लिखिए। जैसा कि आप लोगों ने डिमांड की है, बहुत बार डिमांड कर रहे हैं, कम से कम 10 क्वेश्चन होने चाहिए, तो 10 तो नहीं, अभी 5 क्वेश्चन हम लोग दे रहे हैं, बाकी 10 या 15 या 50 भी देने की सोच रहे हैं। आप इसी तरीके से मन लगाए रहिए, क्वेश्चंस को आप नोट कर लें और आपकी डिमांड बिल्कुल जायज़ है, हम लोग बिल्कुल कंसिडर करेंगे, क्वेश्चन आप नोट कर लें और करें, आप इसी तरीके से लगाव रखेंगे। मैंने देखा है, और जब भी मैं कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो या पढ़ाने वाले वीडियोज़ को छोड़कर कोई और वीडियोज आपको देता हूँ पूछता हूँ तो बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, तो हम लोग असाइनमेंट के बारे में और टेस्ट सीरीज के बारे में सोच रहे हैं, आगे लेके आएंगे। थैंक यू, आप इसी तरीके से लगाव रखें और पढ़ते रहें।